शेर जुमरात के दिन आता है और वो हमेशा ही आता है, हमेशा आता है। जी शेर की सवारी है सरकार, तो आज भी 12 बजे रात में किस तरफ से भी कोई से भी साइड से ही आपने बताया यहाँ ये एरिया है, यहाँ से भी आता है, उधर सामने भी देखा मैंने, यहाँ कदमों की तरफ से भी आता है उधर से, ये वाला घड़ा है ना। बिस्मिल्लाह छोटा सा घड़ा है, ये खाली नहीं होता कभी भी, खाली कभी नहीं होता, ये 10 से 15 किलो तेल आता है इसमें। छोटी सी घड़ा दिख रहा है मेरे को, 10 से 15 किलो आ जाएगा, 10 से 15। कैसा लग रहा है? खौफनाक। ये पूरा जंगल है, ये देखो आप, इधर आने के लिए जिगरा चाहिए, वाकई में जिगरा चाहिए भाई। और दूसरी बात क्या है, ये तो यकीदत का सफर है ना भाई। अभी भाई ने मुर्गे की बोला ही था कि मुर्गा यहाँ पर में नजर पेश किया जाता है, ये देखो भाई मुर्गा भी आ गया पूरा, इसको देखो मुर्गा, माशाल्लाह। सरकार शाह मंसूर सिलसिला चिश्तिया के ही बुजुर्ग हैं आप, हुजूर करीम नवाज से पहले के, आपके पहले काफ़ी बुजुर्ग आए हैं। सिलसिला चिश्तिया तो काफ़ी पुराना है, सिलसिला चिश्तिया की जड़ें जाती हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر سب تمام لوگ، چاروں طرف ہے بھیانک جنگل، منصور بھائی اور میں ایک بارگاہ میں حاضری دینے آ رہا ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے پہلے تم یہ بتاؤ، یہ ایریا کیسا لگ رہا ہے؟ خوفناک۔ یہ پورا جنگل ہے، ये देखो आप, इधर आने के लिए जिगरा चाहिए, वाकई में जिगरा चाहिए भाई। और दूसरी बात क्या है, ये तो यकीदत का सफर है ना, बेशक अकीदत और मोहब्बत का सफर है। हमने पहली वीडियो में बोला था कि हमारा अकीदत और मोहब्बत का सफर है, अकीदा और मोहब्बत दोनों है इसमें। अच्छा मैं आपको बताऊं कि हम जो बारगाह में जा रहे हैं, ये बारगाह है, आ गया भाई भी लेने आ गया, वालेकुम सलाम, आओ भाई आओ, भाई का ही वेट कर रहा था माशाल्लाह, लेने आ गया हमको भाई, बाइक पे हमको लेना है, चलता है भाई 2 मिनट पे चल रहा है। मोहब्बत का अकीदत का और मोहब्बत का सफर हमारा है, चला है अजमेर से बाबा कुतुब गए, फिर साबिर पी आए, फिर ये जो बारगाह है जंगल में, यहाँ पर मैं बकायदा टाइगर आज भी आता है माशाल्लाह। और मैंने एक लास्ट यहाँ पे जो व्लॉग बनाया था तकरीबन 2 साल पहले, उस वक्त जो हम गए जंगल में से गए थे उससे ज़्यादा भयानक अभी मंजर हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हम गर्मी में आए थे, अभी हम बारिश के टाइम पर आए हैं तो जंगल पूरा घना हो चुका है चारों तरफ से, टाइगर आता है यहाँ पर में और भी दीगर जानवर हैं, भालू वगैरह हैं, भेड़िए भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो बारगाह है हजरत, उनका नाम है हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन आपको सावन शेर दरगाह के नाम से पहचाना जाता है, साइमन शेर, सावन शेर। अभी भाई से बात करते हैं इंशाल्लाह। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? हाँ हमारा सकलेन भाई उधर ही है, ये सकलेन भाई का भाई है, वहाँ दरबार में जो खिदमत करता है सकलेन भाई, अभी इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं, वहाँ से जो मंजर रहेगा वो आपको दिखाएंगे। ये आपको हमने दिखा दिया, हमारे चाचा भी फुल फॉर्म में है, एक नंबर चाचा, मजा आ रहा है चाचा, फर्स्ट क्लास। चलो बैठते हैं, चालू करते हैं हमारा सफ़र वापस, हमारी गश्ती आज हमको लेके आ गई जंगल में, जंगल में होगा मंगल होगा क्या होगा, अल्लाह वल्लाहुल आलम, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह वालों की ज़ात पे भरोसा, बिस्मिल्लाह करता। चलिए चचा, आगे का मंजर दिखाते हैं आपको, देखते रहना वीडियो, कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक टर्न आ रहा है ना यार, खौफनाक वाले। आम के पेड़ हैं यहाँ पे, आम के बगीचे, गन्ने के पेड़, गन्ने के पेड़ क्या, गन्ने की खेती है, पेड़ नहीं होता गन्ने का, सॉरी आई एम सॉरी, गन्ने की खेती होती है। और यहाँ पर मैं घना जंगल, ओए 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 क्या खतरनाक की चढ़ा तुम्हारी आज, दबा दो चाचा एक्सलेटर की तो, बाटे पे से ले जाओ, शाबाश ये चाचा ने किया काम ऑफ रोड वाला, वाह वाह वाह, मान गए चाचा, हो भाई हो तुम, ओ भाई तुम ड्राइवर हो माशाल्लाह, वाह 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 वाह, चाचा ने पूरा ऑफरोडिंग का मजा चखा दिया। हाथी बाहुल सबसे खतरनाक जानवर है, जिनसे शेर भी घबराता है वो हाथी होता है, इंसान तो बहुत घबराता है,
क्योंकि हाथी दवाई भी ला देता है भाई अगर वो गुस्से में आ गया। जैसे मैंने बताया कीचड़ का था बहुत सारा हो रहा, और रास्ता ऐसे ही है यार। क्या मंजूर भाई मजा आ रहा है ना भाई? बहुत बहुत फर्स्ट क्लास। ब्लॉग थोड़ा लंबा यूं बना रहा हूँ ताकि आपको ये नजारे दिखा सकूं। चाहता तो डायरेक्ट दरगाह से वीडियो शुरू कर लेता, लेकिन ये सब जो खूबसूरत नजारे हैं जंगल के वो देखने को नहीं मिलते उस टाइम। ये देखो जायरीन भी आ रहा है यहाँ पे, दरगाह शरीफ से आ रहा है यहाँ सामने से। अब थोड़ा आगे से अब कंटिन्यू इंशाल्लाह करते हैं। देखो दोस्तों माशाल्लाह और ही बारगा शाह मंसूर एम्प्लॉय। अच्छा हम ऊपर वाले रस्ते से आए, लास्ट टाइम में नीचे वाले रस्ते से आया था। चलो गाड़ी लगा लो, पार्क कर लो, मारो ये सामने रुक लो, बस यहीं रुक लो। आ गए भाई माशाल्लाह, ठीक है भाई। हाँ भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारा सकलैन भाई, लास्ट टाइम भी इसी के साथ यहाँ पे हाजिरी करी थी। चले अंदर भाई, और क्या माहौल है यहाँ पे अभी? माशाल्लाह पब्लिक तो पहले से बहुत अच्छी दिख रही है, लास्ट टाइम जो मैं आया था कम थी पब्लिक। पकड़ ना मंजूर भाई, एक मिनट टोपी पहन लूँ, रोजू करते हैं पहले अंदर आंगी जाएंगे। चलो पहन लो, वजू कर लेते हैं भाई पहले, वजू करके अंदर हाजिरी देते हैं। ये वजू करना यहाँ पर मेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई। दो साल बाद बुलाया बाबा ने, वजू बना लेंगे। हाँ वजू बना लो, वजू कर लिया है, फूल भी ले लिए। उसकी बारगाह का नज़ारा माशाल्लाह, सरकार शाह मंसूर सिलसिला चिश्तिया के ही बुजुर्ग हैं आप, हुजूर करीम नवाज से पहले के। आपके पहले काफ़ी बुजुर्ग आए हैं, सिलसिला चिश्तिया तो काफ़ी पुराना है। सिलसिला चिश्तिया की जड़ें जाती हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तक। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से ही सिलसिला चिश्तिया शुरू हुआ, और मौला कायनात के खलीफा हैं ख्वाजा हसन बसरी। तो उस दौर में जो मुरीदान होंगे उस दौर के बुजुर्ग हैं। कितनी तारीख है थकलैन भाई दरगाह शरीफ की? उसकी नहीं नहीं, कितने साल हो गए बारगाह को? जैसे 1050 साल मैंने सुने लास्ट टाइम, और इमाम साहब जो सरकार उनके साथ मतलब 1050 के करीब में लास्ट टाइम जो आया था मेरे को बताया था। सुभान अल्लाह। और कुछ बताते हैं यहाँ पे, जैसे सीढ़ियों के ऊपर में लेडीज का जाना मना है? जी जी, तीन सीढ़ी तक, तीन पैड़ी तक अलाउ है, बस ऊपर नहीं जाती लेडीज। सब मेरे को मालूम है ना, पहले आया था, पहले हम ऊपर हाजिरी करते हैं, फिर जो दीगर में एतराफ है वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको जानकारी पूरी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। यह हजरत की बारगाह का नज़ारा, चलता है आइए भाई। सलातुस्सलाम अलैक हबीबुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैक नबीउल्लाह, सलातुस्सलाम अलैक खैरतुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैक या हुज़ूर शाह मंसूर सरकार। हम गुलाम ख्वाजा हैं, हमारा सलाम कदम उसी कबूल फरमाए बारगाह में। हजरत की बारगाह में दुआ खैर कर लेते हैं भाई पहले, फिर आगे का मंजर आपको दिखाते हैं। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
कुल हो अल्लाह हो अल्लाह हो समद लम जिद कलम जुला कलम में कुल हो मुस्मानात सुल्लाह मामलीन कुल या जो काफिरून ला बदुमा ता बदुना वला तुमा बदुना का बदुला ना बदुमा बतुम ला तुमा बदुना का बदु वला ना बदुमा बतुम ला तुमा बदुना का बदु वला ना बदुमा बतुम ला तुमा बदुना का बदु लकुम दीन लकुम वलियदीन बिस्मिल्लाह मामलीन कुल हो रब्बिल फलक मिन शरि मा खलक मिन शरि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शरि नफ्सात फ़क़त ومن شر حاسدين إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولا هم عذاب أليم إن الله غفور رحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنت عليه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا أدركت فانتهى إلى ربك فارغب الفاتحة तमाम शहीदान तमाम अफदाल तमाम दस्तगीर तमाम कुतुब तमाम ख्वाजा तमाम कलंदर तमाम औलियाल्लाह तमाम मजलूब तमाम मोमिन मोमिनात तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम उम्मीद को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पूछा बिलखसूस इस पाक कलाम का नजराना हजरत सईद हजरत शाह मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए मुबारक को पहुँचा राम की बारगाह हाजिर हूँ जितने साहिब मजार इन जंगलों में मौजूद हैं उनके शहीद हुए हैं उनके लिए मुबारक को पहुँचा हाजिर हूँ जहाँ तक अपनी जबान तक पढ़ने में जाने जाने की गुस्सा की उस माँ बता रहा हूँ बेशक के साथ तेरे मानो रहेंगे मेरे मालिक अल्लाह उम्मा अंत सलाम अमीन तसलाम अलैक इस्लाम है न रबना इस्लाम अत गिल्दन जन्नता दार इस्लाम तबारक तब बना व तारे दे आदर जलाल विलकम अल्लाह उम्मा रबना दे ना बिल दुनिया हसनतों व फिर आखिर के हसनतों व कहने दा बंदार व कहने दा बंद कब्र व कहने दा बंद हश्र व कहने दा बंद दैन व कहने दा बंद जनरल आर्मी इन तेरी बारगाह में हाथ उठाए खड़े हैं तेरे मुबारक वली अल्लाह तेरे नाम में शहीद हुए हैं शाह मंसूर शाह रहमतुल्लाह उनकी बारगाह में हाथ उठा के हम तमाम लोग खड़े हैं हमारी हजरत पूरी फिरमा हमारी दुआओं का तेरी बारगाह में कबूल मकबूल तमन्ना इस वीडियो के जरिए से जितने लोग मुकर बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं सलामी पेश कर रहे हैं उनके भी अज़मारूफ पेश करते हैं उनके दिलों के हाथ उसको रोशन है बारी तला पेश उनकी भी तमाम दिलों की हाजिरत पूरी फिरमा उनको भी बारगाह में आने दोने की तौफीक दे उनको भी साबिर पाक कलीर शरीफ आने दोने की तौफीक दे उनको भी नवाज की बारगाह में आने की तौफीक जहाँ तक अपनी जबान में अपनी मना वाले खड़ी कर या आलू शाह मुनूर शाह सरकार बला मेरी नवाज आपकी बारगाह में आए सरकार हमारे सलाम कदम उसी कबूल फरमाइए आपकी बारगाह उनके तोहफा इधर से पेश किया तोहफा कबूल फरमाइए चाह रहे हैं चाहे तो बात रहे कुछ आवाज रखी अल्लाह के वली आप अल्लाह की बारगाह में हमारे अपने दुआ फरमाइए बेशक अल्लाह ताला ने अपने खजाने आपके दाद पाक पे खोल दिया कि आप जिसे चाहे अदा फरमाए दुर्गोस पाक के वसीले से उनके लिए नवाज के वसीले से हाजिरी आज से पूरी हो सकती है जितने लोग वीडियो में देखते आपकी बारगाह के हाजिर कर सब करा फरमाइए सबको कि बारगाह वाले लोग की तौफीक थी जो लोग ना औलाद उनको देखे साले औलाद मिले जो लोग मकरूज है कर्ज कट गए उनको कर्ज निजात जिनके घरों में बच्चे जवान हैं शादियाँ नहीं हो रही हैं उनके लिए देखे साले रिश्ते था उनके फरायदी अदायगी था या सुल्तानुद्दीन गरीब नवाज मोइन उद्दीन मोइन हबीबुल्लाह आईना बेजिल्ला मदद की हुजूर हम सबकी गुजार आपके सब जिंदा آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله
दस्तार बंदी माशाल्लाह। और जो हम हमेशा हमारे वीडियो में नजराना पेश करते हैं, आपका नजराना भाई सुन्नत रसूल अमल है, सबको नजराना पेश करना चाहिए। जो भी खुदाम हजरात किसी भी साहिब मज़ार पर रहते हैं, भले ही वो झाड़ू दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन किसी न किसी तरह वो साहिब मज़ार की खिदमत कर रहे हैं। और एक सुन्नत रसूल अमल है, अल्लाह के रसूल की खुशनुदी भी मिलेगी और साहिब मज़ार की खुशनुदी भी आपको मिलेगी। फिर सुन्नत को आप जगाओ, अल्लाह मालिक आगे सबकी भीड़ पार हो। आपका भी दे देना भाई नजराना। अब देख लो बारगाह का नज़ारा आप थोड़ा कैसा है। अभी नीचे चलते हैं और नीचे का जो मंज़र है वो दिखाते हैं आप, जो और करामत है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर नियाज फतेह दुआ में आप लोग शरीक हुए, बहुत सुकून मिल रहा है। देखो यार जंगल कितना भयानक है, इधर पीछे टाइगर वगैरह यहीं से आता है, इधर से ही जंगल में से इन पेड़ों की धारियों में टाइगर छुप जाता है, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको कहाँ से आया। क्या खौफनाक हो रहा, वल्लाह आलम। कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूरा एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ। अब तो गांव बस गया, पहले काफ़ी इंसानों की आवाजाही थी नहीं यहाँ पर। तो बताते हैं दरगाह के, यहाँ पर मैं दलान में शेर आके बैठे रहते थे। अभी तो खैर इंसान है, फिर भी अल्लाह के मखलूक के अल्लाह वालों की रूह हैं वो, क्या मालूम क्या है। आज भी सलामी देने आता है तो यहाँ पर। मैं अब जो एक ख़ास चीज़ है करामती तेल, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। एक घड़ा है यहाँ पर, मैं कौन सा है भाई, ये वाला घड़ा है ना। बिस्मिल्लाह, छोटा सा घड़ा है ये, क्या है भाई इसका वाक्य, आओ बैठो जी। बैठे ना जनाब, बताइए इसका क्या है वाक्य। खाली नहीं होता कभी भी, खाली कभी नहीं होता। नहीं, ये 10 से 15 किलो तेल आता है इसमें। छोटी सी घड़ा दिख रहा है मेरे को, 10 से 15 किलो आ जाएगा। 10 से 15 किलो जी, जमीन में से ये घड़ा हुआ है, जमीन में से निकलता रहा है, मिट्टी में ही घड़ा हुआ है। मिट्टी की ये तासीर है हजरत की दरबार में। और किस किस काम में लेते हैं लोग बाग इस तेल को, शिफात के लिए, बीमारी में काम आ रहा है। अल्लाह भला हो, कोई बीमारी हो, सोना किसी तरह का असरात, किसी तरह शैतानी चीज, किसी तरह की हाजिरी, हर चीज में माशाल्लाह। थोड़ा मुझे भी देना। बीमारियों में जैसे कोई दर्द है कहीं पर, कोई पे है, कुछ भी है, मतलब ऐसा भी मसला है, और डॉक्टर हिसाब से कहीं पर भी कोई है जो आराम नहीं कर रही दवाई, वो इसको खाने पीने से लगाने से सब ठीक हो सब। अल्लाह अल्लाह वालों की साथ जुड़ी हुई है तो बेशक अल्लाह ताला शिफा देता है। अब तुमको एक बात बोलूं, बेशक अल्लाह ताला की साथ शाफी अमराज है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार होता है तो क्यों डॉक्टर के पास जा रहा है, तो क्या वो शिर्क कर रहा है। शिफा तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर को ही बख्शी है, और डॉक्टर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अल्लाह ताला को मानता है नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा दी है, उसको शिफा मिल रही है। तो ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह ताला किसके थ्रू आपको क्या फ़ायदा पहुँचाया, वो फ़ायदा पहुँचाने की ज़ात करती है काम। अल्लाह ताला कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, इंसान को खुद अपनी हरकतों से अपना नुकसान करता है। अल्लाह ताला की ज़ात एकदम बेहैब है, और वो सब हर मखलूक से अपनी मोहब्बत करता है। एक माँ जितना मोहब्बत करती है अपने औलाद से, इससे 70 गुना अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करती है। जिस तरह अल्लाह ताला के साथ शाफीउल अमराज है, डॉक्टर के बने जैसे बताया आपको कि वो कुछ भी हो, कैसे भी अकीदा रखता हो, उसको अल्लाह ने शिफा दी उसके हाथ में, तो अल्लाह वालों के हाथ में कितनी शिफा दी होगी आप कुछ सोच सकते हो। जिन अल्लाह वालों ने अपनी राह, उनकी अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दी, शहीद हुए, उसकी दीन की खिदमत करी, लोगों की मखलूक की खिदमत करी, खिलाया पिलाया, तो उनको अल्लाह ताला ने कितनी पावर दे रखी होगी। दुनियावी चीज़ बड़ी होती है, ईमान बड़ा होता है। हर आदमी ये बोलेगा ईमान ही बड़ा है, तो जिन बुजुर्गों की बारगाहों से ईमान की दौलत मिल रही है, दुनियावी चीज़ उनके लिए कुछ नहीं है, जर जोरू माल वो यूँ पटक देते हैं।
ईमान मांगना है वाले बहुत कम आते हैं वलियों के दरबार में, दुनिया मांगने ही वाले ज़्यादातर आते। गलत बोलूँ तो आप कमेंट करके बताना। तो इसी तरह ये मैंने बताया, अल्लाह ताला की ज़ात है, किसको कब नवाज दे, किससे क्या मामला दे सकता हूँ। भाई बहुत अच्छा लगा ये मामला देख करके। लास्ट वीडियो मेरी फेसबुक के ऊपर में 3 मिलियन प्लस चली थी, 3 मिलियन प्लस, लेकिन फेसबुक के ऊपर मैं वो पेज मेरा डिलीट कर दिया गया क्योंकि पैलेस्टाइन सपोर्टिंग वीडियोस बनाई थी, ऐसे डिलीट हुआ, रिकवरी ऑप्शन ही नहीं आया उसके अंदर। उस वीडियो देख कर कितने ज़ायरीन आए भाई, माशाल्लाह बहुत लोग आए, काफ़ी ज़ायरीन आए। तो भाई का फोन आता था सकलैन भाई का मेरे पास में अजमेर में, भाई आपके वीडियो देख देख कर काफी लोग ज़ायरीन आ रहा है, माशाल्लाह। किसी ना किसी के जरिए बेशक अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से ये काम हुआ, अल्लाह इनके बुजुर्गों की दुआ है शाह मंदूर शाह रहमतुल्लाह की, ये मेरे जरिए वो काम हुआ और मेरे जरिए कई लोग आए यहाँ पर वीडियो देख करके, वो उनको फैजियाब हुए, अल्लाह का ताला का फैज करम मिला इन वली की सबके में। और क्या क्या मामला था भाई आके कुछ बताते यार, इधर चले उस तरफ जंगल का थोड़ा नजारा दिखाओ। ये तेल है भाई, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा टाइगर की तुम बता रहे थे लास्ट टाइम भाई, किधर किस तरफ का था मसला, वो कहाँ से? इधर से, बच्चे चलो चलो। भाई आपका नाम भाई पूछना भूल गया मैं, मुशर्रफ भाई। अच्छा मुशर्रफ भाई और सकलेन भाई एक सवाल है, ऐसे भी तो दरबार पूरा इतराफ बन गया, कंप्लीट हो गया, पूरा पक्का काम हो गया, तो एक दौर होगा पुराने टाइम में जंगली जानवर भी आते होंगे यहाँ पर, मैं गाँव इतना डेवलप नहीं होगा, इंसान आने में भी घबराता होगा, तो उस दौर के आपके बुजुर्गों ने कुछ वाक्यात बताए उस दौर के, तो कुछ बताओ। जी जी बेशक बताते हैं, हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने हमारे वालिद साहब के वालिद साहब ने ये बताया कि शेर जुमरात के दिन आता है और वो हमेशा ही आता है, और ये बताया जी शेर की सवारी है सरकार की, सरकार की शेर की सवारी है, और आज भी ये रस्म ऐसे ही चल रही है, जुमरात के दिन ऐसे ही रात में 12 बजे आता है, बल्कि दरगाह मामूर हो जाती है, लेकिन उसके आने की आहट जाने की आहट आज भी खुद्दाम लोगों के उसमें आती है। अगर वो दरबार शरीफ खोलते हैं दोबारा, अगर उन्हें ये खोलना है या रहना है, तो वो आज भी 12 बजे रात में आता है जी। किस तरफ से कुछ बता सकते हो, कोई सी भी साइड से? आपने बताया यहाँ ये एरिया है, यहाँ से भी आता है, उधर सामने भी देखा मैंने, यहाँ कदमों की तरफ से भी आता है, उधर से सामने भी वो एकदम गहरा गड्ढा है, नीचे एकदम ब्लैक दिख रहा काला, नुकसान देने किसी का नहीं देता है, बस वो वही अल्लाह वालों की रूह है भाई, वो औलिया कराम की रूह है, बुजुर्गान दीन है जो रूप लेके आते हैं। अजमेर शरीफ में तकीने के बाबा में शेर आते हैं, दिखाएं वीडियो, अब तो शेर सामने जाहिर होगा वहाँ पर, मैं वीडियो बन चुकी हूँ उनकी, दो शेर तेंदुए हमने आपको देखा है। ऐसे खाकन साहब बाबा मैंने मेरे वीडियो बनाया था, मेरे मुर्शिद हैं जो अगवानपुर में, वहाँ पे खाकन साहब बाबा में शेर आते हैं, उनकी तारीख भी 1500 साल पुरानी है, वहाँ मज़ार भी 10 फीट लंबा है, वहाँ टाइगर उनके हाथ में बाकायदा कड़े हैं, वो जंगल के इलाके हैं, जंगलों के अंदर में बेशक अल्लाह वाले ही इबादत करते हैं, तो अल्लाह वालों का मामला यह है जो अल्लाह की ज़ात पाक से मोहब्बत करता है तो दुनिया की हर शय उस चीज़ से मोहब्बत करती है, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, कुदरती तौर के ऊपर मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कर दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये तो भाई उरूस का क्या है मसला, जो हजरत के उरूस, आपका नाम तो हजरत शाह मंसूर है लेकिन हजरत सावन शेर दरगाह के नाम से फेमस है, शेर के नाम से फेमस इसलिए है कि शेर जो लकब सनद है जो शेर की, उसके लिए हमसे सामन शेर बोलते हैं लोग। और उसके बारे में सरकार हुजूर साबिर पाक से 6 दिन पहले होता है, 6 रबीउल अव्वल में होता है, हाँ 7 तारीख में गुस्ल शरीफ होता है सरकार का, संदल पेश होता है, और सालाना हुजूर साबिर पाक से 6 दिन पहले मनाया जाता है, और हुजूर साबिर पाक से यहाँ की दूरी 18 किलोमीटर। हाँ मैं पूछने वाला था आपसे कि भैया आम जाहिरीन अगर वीडियो देखे किस तरीके से आवे, वो इस तरीके से कि अगर रुड़की आकर अगर वो कलियर शरीफ में कहीं पर भी खड़ा है ऑटो स्टैंड पे, तो वो ये पता कर सकता है कि शेर के नाम से ये दरगाह है, तेल के नाम से जानी जाती है, तो हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह के बारे में वहाँ पता करे कि हमें जो जंगल की तरफ जो दरगाह है वो कितनी दूरी है, तो वो 18 किलोमीटर, तो मतलब टेम्पो आते हैं, ऑटो बहुत आते हैं, ऑटो पूरा बुक करके आना पड़ता है, रूट वाले टेम्पो नहीं चलेंगे भाई यहाँ पर, हमें ऑटो रिक्शा या गाड़ी आपको बुक करके आनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने जगह दिखाई है, रास्ते कैसे हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखा है, कितने भयानक जंगल के बीच में हम गाड़ी लेकर के आए। और कुछ बाबा के बारे में कुछ बताना चाहोगे, रियाज विदाई ले आपसे, हम सब आपको हाजिरी कर दी, वीडियो भी लंबी हो गई है, सभी गुलाम लोगों पर खास करम है, बस्ती पर खास करम है आज तक। और हाँ एक खास बात,
मैं सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे फॉलोवरों के साथ कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था 500 फॉलोवर थे भाई मेरे। मैंने बेशक हजरत की बारगाह में मन्नत मांगी थी कि कुछ मेरा काम होगा तो इंशाल्लाह मैं कोई लंगर न्याज करूँगा, वो इंशाल्लाह मन्नत मेरी बाकी है। वो अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बहुत जल्द आ करके वो मन्नत उतारूँगा, लंगर न्याज जो भी मैसर होगा सरकार की बारगाह में लंगर पेश करूँगा। मैंने यही मन्नत मांगी थी कि अगर मैं यहाँ की वीडियो बना करके मेरी फेमस होती है तो मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँगा। फेमस हुई वीडियो फेसबुक के ऊपर में 3.5 मिलियन से ज़्यादा चली, काफ़ी फॉलोवर आए, लेकिन फेसबुक का पेज डिलीट हो गया जो भी मामला हुए वल्लाहुल आलम। तो इंशाल्लाह मेरी नियत है यहाँ पर हजरत की बारगाह में जो नियत करी थी मैंने मन्नत की वो हम उतारेंगे बहुत जल्द। आप भी दुआ करो जल्दी से आए हम, क्योंकि साबिर पाक के उसमें अचानक आना हुआ, मैंने सरकार का बुला हुआ हुआ किस तरह हम आए, पूरा रास्ता पूरे ब्लॉग आप वीडियो देख ही रहे हो, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की दुआ थी। तो भाई उम्मीद करता अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा, शेयर करना लोगों के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा, आने के कुछ सवालात हों तो वीडियो के अंदर मैं भाई का नंबर दे दूंगा, मैं तकरीन भाई का नीचे देख लेना नंबर, आप नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट भाई से बात कर सकते हो आप, क्योंकि आप मेरे को फ़ोन करो मेरे से परेशान हो तो डायरेक्ट भाई का नंबर दे दूंगा, तो इंशाल्लाह इनसे रब्ता हो जाएगा, तो जो भी परेशानी यहाँ पर आने जाने की हाजिर करने की वो पूरी मुकम्मल तौर पर हो जाएगी दूर। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह वापस। अच्छा लगा भाई बहुत बोल के, ये भी सब भाई लोग हैं यहाँ पर, ये भाई लोग भी बैठे हैं। हाँ भाई अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पर मैं जो तबरुक मिलता है भाई ने मेरे को बताया गुड़ का है, दिखाना भाई गुड़, कौन सा गुड़ कहलाता है ये? कच्चा गुड़ है ये जो चरखी पे बनता है गन्ने उसके साथ बनता है। अच्छा गुड़ है ये, चढ़ावा है यहाँ का, ये यहाँ पे पेश होता है गुड़ हो सकता है, तबरुक भी मिलता है जी, और देसी मुर्गा ये मेन चढ़ावा है यहाँ का, असली चढ़ावा यही है गुड़ का जो पहले से चलता है, पुराने दौर से चला जी, जी यही चलता रहा है पहले। और मुर्गा नियाज लंगर नियाज जो होती है मुर्गा, मतलब देसी मुर्गे बनते हैं यहाँ पर, बनता है उसका चढ़ावा है, जिंदा छोड़ते हैं लोग, जिंदा छोड़ते हैं, जिंदा छोड़ते हैं जिसकी जैसी मन्नत है वो वैसे करता है, लेकिन जो असली चढ़ावा है वो गुड़ का और देसी मुर्गे का है। ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तबरुक हमको मिल गया भाई, हजरत का तबरुक सलाखों पे घर पे लेके जाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे और फैमिली में भी सबको देंगे। अभी भाई ने मुर्गे की बोला ही था कि मुर्गा यहाँ पर में नजर पेश किया जाता है, ये देखो भाई मुर्गा भी आ गया पूरा, इसको देखो मुर्गा माशाल्लाह, देसी मुर्गा इसको कहते हैं, उत्तराखंड का होगा एकदम, ये देसी ब्रीड पहाड़ी मुर्गा एकदम। और कितना किलो का होगा ये? होगा करीब 2 से 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो। ये बाबा की नजर व न्याज के लिए पेश होना आ गया हजरत के कदमों में माशाल्लाह माशाल्लाह। शाम को फातिहा होगी, हाँ हाँ होगा होगा आराम से होगा, मुर्गा देसी मुर्गा महंगा आता है। अब लेंगे विदाई भाई, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।